हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज रीजनिंग की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग के कुछ और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। जो दोस्त अब तक चैनल के साथ में नहीं जुड़ा है तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके खुद भी जुड़िए। अपने सभी दोस्तों को बताइएगा, बेल आइकन को ऑन रखिएगा, बेल आइकन ऑन रहेगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचते रहेंगे। मैथ का 2 से 3, रीजनिंग का 9 से 10 और जीके का लाइव टेस्ट चलता है डेली रात को 11 बजे। और देखिए दोस्तों, मैं अकेडमी की लर्निंग ऐप पे पढ़ाता हूँ, यहाँ पे भी मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की है। अगर आपको वो वीडियोस देखनी है अनअकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अगर समझ में आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको किसी भी वीडियो का PDF डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां से PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। सभी वीडियो की मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, जो क्रैश कोर्स मैं आपको करा रहा हूँ रीजनिंग मैथ और साइंस का, उन सभी की प्लेलिस्ट भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप जा करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आप इसको खुद भी ट्राई करिए और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन ये है और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ, -1 चल रहा है, ठीक है। यानी कि जो ये लाइन है आपकी, इसमें -1 होके ये वाली आएगी और इसमें से -1 होके ये आएगी। अब देख लीजिए आप किस तरीके से होगा, मैं बता देता हूँ। जैसे 0 लिखा है, 0 में से आप -1 करेंगे तो कितना आएगा -1, फिर 1 में से आप -1 करेंगे तो कितना आएगा 0, और फिर 2 में से आप -1 करेंगे तो यहाँ पे आपका 1 आना चाहिए, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं चेक करके कि 1 ही आएगा क्या। फिर इसमें से आप -1 करेंगे, -1 में से -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। फिर 0 में से आप -1 करेंगे तो कितना आएगा -1 आ जाएगा, और फिर 1 में से -1 करेंगे तो आपका 0 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 इज द राइट आंसर। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए, इस तरीके के अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप इजीली कर लेंगे। इस जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं मैक्सिमम जो आपके पहले पूछे जा चुके हैं वो मैं धीरे धीरे आपको कवर करा ही रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपका एनालॉजी से है, इसको भी करिए। एनालॉजी से आपके कई क्वेश्चन आने हैं तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कितने बच्चे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर आप बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे चल रहा है आपका क्यूब, देखिए 1 का क्यूब आपका 1 ही रहेगा, 2 का क्यूब आपका कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए 3 का क्यूब, कितना हो जाएगा 27, और यह है आपका 4 का क्यूब। तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या आएगा, 3 का क्यूब और वो होता है 27, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं एनालॉजी से, ये वाला है आपका BVSC को इस तरीके से आपको लिखा गया है, YEHX और MRCP को क्या लिखा जाएगा। तो इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करिए, बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है, अपोजिट वर्ड चल रहे हैं, बी का अपोजिट कौन सा होता है। अब ये आपको अगर पता नहीं है तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, या तो याद कर लीजिए, अगर याद नहीं हो रहे हैं और अभी तक याद नहीं हुए आपके तो आप करिएगा, जो भी आपको रफशीट मिलेगी उसमें लिख लीजिएगा ए से एम तक, ठीक है। ABCD लिखनी है पूरी आपको A से M तक, और फिर M के नीचे N और यहाँ पे Z, यानी कि इस तरीके से आपको लिखनी है। ये A का अपोजिट होता है आपका Z, ठीक है, B का अपोजिट होता है आपका Y, तो इस तरीके से आपको ये सब कुछ अपोजिट वर्ड भी मिल जाएंगे और उनके ऊपर नंबर डाल लेंगे तो आपको नंबर भी पता चल जाएगा। यहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं सीधे सीधे, ठीक है। तो इतना काम आप जाते ही कर लीजिएगा जब भी एग्जाम में बैठेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, B का अपोजिट Y होता है, V का अपोजिट आपका E होता है, और S का अपोजिट आपका H होता है, और C का अपोजिट आपका X होता है, ठीक है। अगर ये इनके अपोजिट है तो अब यहाँ पे देख लेते हैं। अभी मैंने बताया M का अपोजिट क्या होता है, N होता है, जैसे यहाँ पे मैंने अभी बताया M के नीचे N आएगा तो M का अपोजिट N हो जाएगा। बहुत चीज़ें तो आपके याद भी हो जाएंगी अगर आप 2-3 बार इसको लिख के प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। फिर आपका R का अपोजिट क्या होता है, आई होता है भाई, ठीक है, और सी का अपोजिट क्या होता है आपका, ये एक्स होता है, और पी का अपोजिट आपका क्या होता है, के होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, NIXK। तो देख लीजिए NIXK, यानी कि आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, हाँ NIXK इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो एनालॉजी से आपके कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन आने हैं, तो आशा करता हूँ कि अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं एग्जाम में तो आप इजिली कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कथन निष्कर्ष से, इसको ट्राई करके देखिए। बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ इस टाइप के, और आशा करता हूँ कि इस क्वेश्चन नंबर 4 का आप सभी राइट आंसर भी करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को रोक करके एक बार ट्राई कर लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। कथन यहाँ पे पढ़ लेते हैं सबसे पहले। पढ़ना अच्छी हॉबी है, खाली समय का सदुपयोग करने के लिए हॉबी में लगा जा सकता है। यहाँ से हमें पता चला कि पढ़ना एक अच्छी हॉबी है और खाली समय का अगर सदुपयोग करना है तो इस हॉबी में लगा जा सकता है। निष्कर्ष देखते हैं क्या क्या है। सामान्यतः बुद्धिमान लोग पढ़ने को हॉबी के रूप में चुनेंगे,
तो ऐसा तो कोई कंफर्म नहीं बोला गया है कि पढ़ने वाले बुद्धिमान लोग ही पढ़ने की सॉरी सामान्यतः बुद्धिमान लोग ही पढ़ने की हॉबी को चुनेंगे, तो ऐसा नहीं बोल सकते हम, क्योंकि कथन में हमें एक चीज़ बताई गई है कि पढ़ना एक अच्छी हॉबी है और खाली समय का सदुपयोग करने के लिए हॉबी में लगा जा सकता है। तो यहाँ पर बुद्धिमान लोगों की कोई बात नहीं की गई है, तो आप इसको हटा देंगे, ठीक है। इसमें कोई भी हो सकता है, पढ़ना एक अच्छी हॉबी है, एक सजेशन दिया जा रहा है एक किस्म से, तो आपको ये सेकेंड वाला हटा देना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बुद्धिमान व्यक्तियों की बात नहीं की गई है, तो आप इसको नहीं करेंगे। नेक्स्ट आप देखते हैं पढ़ के, पढ़ने का प्रयोग खाली समय की एक हॉबी के रूप में किया जा सकता है, तो ये वाला बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो इन्होंने बताया है कथन में उसके अकॉर्डिंग ये वाला जो निष्कर्ष है आपका, ये बिल्कुल सही है। पढ़ने का प्रयोग खाली समय की एक हॉबी के रूप में किया जा सकता है, तो बिल्कुल सही है, ये सेकंड वाला राइट हो जाएगा। देखिए कथन में अगर किसी चीज़ का जिक्र नहीं किया गया है तो आप उसको निष्कर्ष में लेके नहीं आ सकते, तो यहाँ पे बुद्धिमान जो व्यक्ति लेके निष्कर्ष में आए हैं, ये कथन में कहीं पे भी इनका जिक्र नहीं किया गया है, तो आप इसको हटा देंगे, ठीक है। यानी कि केवल आपका सेकंड वाला राइट हो जाएगा, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा राइट आंसर आपका, निष्कर्ष आपका हो जाएगा ये बी इज द राइट आंसर, केवल निष्कर्ष सेकंड निकलता है। तो आशा करता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे और एग्जाम में यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आने हैं इससे, ठीक है। स्टेटमेंट कंक्लूजन से आपके, कथन निष्कर्ष से आपके पक्का 2 से 3 क्वेश्चन आने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में आई के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन को भी ट्राई करिए, शायद ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 5 ही मान लीजिए जो भी है ये, ठीक है। 5 का आप राइट आंसर बताइए क्या है, क्या होगा, ठीक है। एक बार वो बता देता हूँ, अंग्रेजी वर्णमाला में आई के दाएं 7वां अक्षर बताना है। देखिए इसको करने के कई तरीके, एक तो आप ABCD पूरी लिख के तब कर सकते हैं, एक डायरेक्ट मैं ट्रिक बताऊंगा तब भी आप इसको कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आते हैं, अगर आप ABCD लिखते हैं तो पूरी आपने ABCD तक लिखी, ठीक है, फिर आई के दाएं बोला है, ठीक है, तो आई का देखिए आई का दाएं कौन सा होगा, यानी कि राइट साइड बोला है, ठीक है, आई यहाँ पे है आपका, और इसका राइट साइड कौन सा होगा, जो आपका राइट वही आई का राइट, और जो आई का लेफ्ट वही आपका लेफ्ट, ठीक है। इस तरीके से आप सोच सकते हैं, ये लेफ्ट हो जाएगा राइट हो जाएगा, यानी कि दाएं ये हो जाएगा, तो इसका 7वां काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। एक तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, ये तो आप सभी को पता ही होगा, बट एक और होता है इसका मेथड, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए आई बाएं से कि कौन से नंबर पे है काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नौवे पे आता है, ठीक है, आई 9वे नंबर पे आता है, और यहाँ पे बोला गया है कि आई के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा, तो जब भी बाएं से आई 9वे पे है और दाएं पूछा गया है, तो दाएं और बाएं अगर पूछा जाता है, यानी कि दो दाएं और बाएं अलग अलग हो गया, तो दोनों को प्लस करिए और जो भी आएगा, ठीक है, जो भी आएगा, यानी कि 9वे पे आई आता है और 7 प्लस करके 16वां अक्षर देख लीजिए कौन सा होगा, ठीक है भाई। एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, अगर यहाँ पे बोला जाता कि कोई भी अक्षर बोल दिया जाए कि दाएं से आर, ठीक है, दाएं से आर का 7वां सॉरी आर का दाएं कौन सा होगा, ठीक है, तो आर इधर से देख लीजिए दाएं से कौन सा होगा, और फिर दाएं से ही पूछा जा रहा है, तो इसका दाएं कौन सा हो जाएगा, यही वाला दाएं हो जाएगा, तो इसमें आप माइनस करेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर दाएं और बाएं होगा तो उनको तो प्लस करेंगे, अगर दाएं दाएं हैं दोनों साइड में तो उनको हम माइनस करेंगे, और या फिर दोनों साइड में बाएं बाएं हैं, यानी कि पी बाएं से इतना, और फिर उसका बाएं कौन सा होगा, 5वां 6वां जो भी बोला जाए क्वेश्चन में, वो आपको माइनस करना है, ठीक है। या फिर आप इसी तरीके से कर सकते हैं अगर आपकी समझ में नहीं आया, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ज़्यादा टाइम इसमें भी नहीं लगेगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो 1-2 क्वेश्चन और करा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप कमेंट बॉक्स में बता दिया करें, ठीक है, कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको ट्राई करके देख लेते हैं। सॉरी, निम्नलिखित आरेखाओं में से कौन सा एक आरेखा पृथ्वी, समुद्र और सूर्य के बीच संबंध को सबसे सही चित्रित करता है? तो यहाँ पे आपको एक चीज देखनी है कि पृथ्वी, समुद्र और सूर्य के बीच में क्या रिलेशन है। अगर मैं देखूँ पृथ्वी और समुद्र के बीच में तो रिलेशन हो सकता है, बट सूर्य बिल्कुल अलग हो गया है, ठीक है, अगर आप ज्योग्राफिकली देखें तो तब भी और वैसे भी बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो पृथ्वी और समुद्र कैसे एक दूसरे मतलब रिलेट हो गए? भाई देखिए, पूरी हमारी पृथ्वी है, उसके बीच में ही समुद्र है, ठीक है, तो पूरी पृथ्वी के अंदर समुद्र है, तो एक रिलेशन तो ऐसा बनेगा कि अंदर होगा समुद्र और बाहर होगी पृथ्वी, ठीक है, यानी कि कुछ इस तरीके से, और सूर्य एक अलग होगा तो बिल्कुल अलग बन जाएगा। तो यहाँ पे आप पहले ऑप्शन को डिस्कार्ड कर लीजिए, क्योंकि ये तीनों रिलेशन नहीं है, तीनों
तीनों अलग भी नहीं है, इसको भी हटा देंगे, और तीनों कंप्लीट एक दूसरे पे भी डिपेंड नहीं है, तो इसको भी हम हटा देंगे। तो आपका राइट आंसर बी बचेगा और यही राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये आपका बाहर वाला पृथ्वी हो गया, इसके अंदर आपका समुद्र हो गया और सूर्य एक अलग हो गया, ठीक है। तो यही वाला आपका जो डायग्राम है, इवेंट डायग्राम, ये आपको बिल्कुल सही रिप्रेजेंट कर रहा है समुद्र सूर्य सॉरी पृथ्वी समुद्र और सूर्य को। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन मिरर इमेज से देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है, दी गई आकृति का दर्पण में बनने वाला सही प्रतिबिंब चुनिए जब दर्पण ए बी पर रखा हो। तो यानी कि आपका देखिए ये वाला है, ये वाली इमेज है आपकी और ये दर्पण रखा है, ये आपका मिरर रखा है। आपको बताना है चार ऑप्शन में से देख करके, ये नीचे आपके चार ऑप्शन है, इनमें से देखिए एक बार कि कौन सा राइट आंसर आपका होगा। अभी मैंने आपका वोटर इमेज और मिरर इमेज की वीडियो अपलोड की थी, अगर आपने वो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लिया करें, वहाँ पे प्लेलिस्ट में मैं सारी वीडियो ऐड करता हुआ जा रहा हूँ और उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसलिए दे रखे क्योंकि बहुत से बच्चे नए जुड़ते हैं और बहुत से कई बार क्या होता है कि किसी कारणवश नहीं देख पाते तो वो बाद में देख सकते हैं, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए जैसे मैंने आपको समझाया था, उससे ट्राई करके कौन सा होगा ये ए बी सी डी, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको बताया था अगर मिरर यहाँ पे रखा है, अगर वोटर इमेज है तो ये समझिए कि मिरर यहाँ पे है। वोटर इमेज में आपको वोटर इमेज के केस में क्या सोचना है कि मिरर यहाँ पे रखा है और मिरर इमेज में आपको इधर या इधर रखा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि अगर यहाँ पे रखा है, मैंने आपको बताया जो मिरर के पास में होगी चीज़ें वो मिरर के पास में ही रहनी चाहिए। तो मिरर के पास में ये लाइन वाला पोर्शन है, तो लाइन वाला पोर्शन मिरर के पास में होगा तो किस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके का आपका ये होगा। मैं बना देता हूँ थोड़ा थोड़ा सा, ये बनेगी आपकी इमेज, ठीक है। यानी कि लाइन वाला पोर्शन इस साइड में रहना चाहिए। तो आप देख लीजिए लाइन वाला पोर्शन इस साइड में किस किस में है, ये तो बिल्कुल अलग हो गया, ठीक है, ये हट जाएगा, ये आपकी वोटर इमेज बन गई। अगर वोटर इमेज पूछा जाता तो ये वाली राइट हो जाती, ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा। नहीं सॉरी, ये तब भी राइट नहीं होती है क्योंकि इसका जो है ये डायरेक्शन चेंज हो गई, ये लाइन वाला पोर्शन इधर आ गया, ये वो तब भी राइट नहीं होता, ठीक है। तो हम यहाँ पे आते हैं मिरर इमेज पे आते हैं, तो ये वाला पोर्शन देखा जाए तो इसमें बिल्कुल सही है, लाइन है इस डायरेक्शन में ही है, तो ठीक है। फिर इसमें देखा जाए तो इसमें भी लाइन है इस डायरेक्शन में है, तो दो हो गए आपके, ये भी हट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए नीचे आपका व्हाइट पोर्शन है और नीचे इसमें ब्लैक हो गया, तो ये भी हट जाएगा, तो राइट आंसर आपका ऑब्वियसली सी बचेगा, ठीक है। तो यानी कि सी इज द राइट आंसर। तो आशा करता हूँ कि अगर आपको मिरर इमेज और वोटर इमेज के क्वेश्चन मिलेंगे तो आप उनको डेफिनेटली करके आएंगे, कोई भी छोड़ के नहीं आएगा, बहुत ही सिंपल होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। आप खुद भी ट्राई करके देखते रहिए साथ साथ में, ठीक है। यहाँ पे बोला गया, कथन दिया गया है, यदि सरकार ही भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कार्यवाही करेगी तभी हमारा देश समृद्धि की ओर बढ़ेगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, अगर सरकार भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कार्यवाही करेगी तभी हमारा देश समृद्धि की ओर बढ़ेगा, इससे हमें ये पता चला है, ठीक है। तो पूर्व अनुमान क्या लगाए जा रहे हैं इसमें, ठीक है, यानी कि निष्कर्ष क्या हो सकते हैं। सरकार भ्रष्ट लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है, तो बिल्कुल सही है ये, बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर ये चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कथन के अकॉर्डिंग हमें उसे रियल लाइफ में नहीं सोच सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अपनी फीलिंग यहाँ पे आपको एक्सप्लेन नहीं करनी है, जो कथन में बोला गया है उसके अकॉर्डिंग हमें वर्क करना है। तो कथन के अकॉर्डिंग यही बोला गया है कि यदि सरकार भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कार्रवाई करेगी तभी हमारा देश समृद्धि की ओर बढ़ेगा, तो इसमें बिल्कुल यही बोला गया है, तो राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा देखते हैं, भ्रष्टाचार देश को समृद्धि की ओर बढ़ने में बाधा डालता है, तो बिल्कुल सही बात बोली गई है ये भी, ये इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे बोला गया है कि हमारा देश समृद्धि की ओर कब बढ़ेगा, जब भ्रष्टाचार खत्म होगा, जब भ्रष्टाचार पे कार्रवाई होगी, तो इसका मतलब भ्रष्टाचार जो है वो समृद्धि की ओर बढ़ने में बाधा है, तो भ्रष्टाचार देश को समृद्धि की ओर बढ़ने में बाधा डालता है, तो इसका मतलब ये भी आपका राइट हो जाएगा, ये भी दोनों ही आपके राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, फर्स्ट और सेकंड दोनों निहित है। आशा करता हूँ कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। स्टेटमेंट कंक्लूजन से आपके देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए और कोई भी बुक प्रैक्टिस की ले लीजिए और जो भी आपके पास है रीजनिंग की उससे कर लीजिए, बट ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको भी ट्राई करके देखिए, ठीक है। अक्षरों का कौन सा समूह रिक्त स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो मैंने आपको बताया कैसे करना है, सबसे पहले इनको काउंट कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहला स्टेप आपको क्या होना चाहिए, काउंट कर लीजिए इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यानी कि कितने हैं, 16 हैं। 16 में चार चार के आपके पेयर बन जाएंगे, ठीक है। चार चार के, चार चौक 16, चार चार के चार पेयर बनेंगे, तो पेयर बना लेते हैं, दो दो चार, फिर दो दो आपके दो और दो चार, दो और दो चार, दो और दो चार, ठीक है, इस तरीके से बन गए। अगर आप यहाँ पे देखें, ए सी सी लिखा है और बी सी सी लिखा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला सीक्वेंस अगर आप दो जगह देखे ट्राई करके तो बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे बी सी सी, तो यहाँ पे आपका सी रख के देखिए, ठीक है, बी सी सी ए हो गया, ठीक है, यहाँ पे बी सी सी, तो यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, तो कुछ इस तरीके से चल रहा है। फिर यहाँ पे देखे ए सी सी, तो बी और आपका हो जाएगा बी सी सी, सॉरी ए बी सी सी, ठीक है, एक बार और मैं आपको कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम तो जरूर लगेगा। ये हो गया चार, ठीक है, दो और आपका ये हो गया दो चार, दो और ये हो गया दो चार, और दो दो चार, यहाँ पे दो अलग अलग चल रहा है, ठीक है, ए सी सी, ठीक है, ए सी सी ए, सॉरी ए सी सी बी, ठीक है, बी सी सी ए, तो यहाँ पे सी आ जाएगा, जैसे यहाँ पे आया है, फिर यहाँ पे आप ए लिख सकते हैं, और यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं ए सी सी बी, और यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं ए, तो क्या चल रहा है, ए सी सी बी, बी सी सी ए सी सी बी और बी सी सी ए, तो इस तरीके से कोई सीक्वेंस बन रही है। तो देख लीजिए बी सी ए ए ए, तो बी सी ए ए देख लीजिए कौन सा है राइट आंसर आपका, ये हो जाएगा सी। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी जिसे बहुत सारे बच्चों ने देखा और बहुत अच्छे से मैंने उसमें समझाया था। अगर आपने वो नहीं देख रखी है, प्लेलिस्ट चेक करते रखने, मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ, ठीक है, और पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको ट्राई करके देखिए जल्दी से। 9 को नाटक मंच टेनिस के लिए क्या होगा, देखिए नाटक कहाँ पे होता है, मंच पे होता है, तो टेनिस कहाँ पे खेला जाएगा, कोर्ट पे खेला जाएगा, टेनिस के अलग ही कोर्ट होते हैं, ठीक है, जो अलग ही बनाए जाते हैं खेलने के लिए, यानी कि जिनको जो टेनिस का फील्ड हम बोल लें तो वो होता है, ठीक है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा इनमें से चार ऑप्शन में से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एनालॉगी के क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए एक बार, 10 को ट्राई करके देखिए। जैसे आपका देखिए डी है, तो यहाँ पे क्या है, डी दूसरे पे है और यहाँ पे पहले पे है, तो इसका मतलब इस तरीके से लिखा गया है, यानी कि डी और डब्ल्यू, और H का अपोजिट क्या होता है, H का अपोजिट S होता है, तो ये आपका लिख दिया गया है इस तरीके से, ठीक है, यानी कि अगर मैं बोलूँ तो इनको क्रॉस एक दूसरे के नीचे कर दिया गया है, दूसरे को पहले पे और पहले को दूसरे पे, ठीक है, और H का अपोजिट लिख दिया गया है। फिर इस पे अगर हम इस पे करें फुल पे, तो यहाँ पे आपका F होगा, ठीक है, और ये आपका U हो जाएगा, और L का अपोजिट क्या होता है आपका, L का अपोजिट हो जाएगा आपका U, सॉरी O, ठीक है, L का अपोजिट क्या होता है आपका O होता है, तो यहाँ पे ओ हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा यू, और ये हो जाएगा एफ, यानी कि यू एफ ओ इज द राइट आंसर, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये। तो आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करके देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है ये, ठीक है, एक बार ट्राई करके देखिए और आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपने आशा करता हूँ कि राइट आंसर कर दिया होगा। यहाँ पे क्या चल रहा है, देखिए 6 दूनी 12, 6 की 2 में करेंगे 12, फिर 6 का स्क्वायर -1 यहाँ पे कर देंगे, तो कितना होगा, 6×36 -1, तो 35 आपका आ जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको यहाँ पे करना है, 8 दूनी 16, और 8 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 8×8 64, और -1 तो कितना हो जाएगा 63, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका 63 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में था इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो सभी के प्लेलिस्ट बना के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया, वहाँ से जाके आप उन्हें देख सकते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कहाँ से पीडीएफ मिलेगी, कैसे आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज ज्वाइन करना है। देखिए दोस्तों, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, टेलीग्राम का ग्रुप का जो लिंक है सबसे पहले नीचे दे रखा है मैंने, सबसे पहला लिंक है, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लीजिए। या फिर टेलीग्राम का एक ऐप होता है, उसको डाउनलोड करिए, उसमें अपना नंबर वंबर भरिए, जैसे एक आप व्हाट्सअप चलाते हैं। देखिए बहुत से बच्चे बोलते हैं कि व्हाट्सअप पे क्यों नहीं बना लेते ग्रुप, व्हाट्सअप पे 250 बंदों का मैं कितने ग्रुप बनाऊंगा, यहाँ पे आपके 60,000 बच्चे जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ेंगे तो और जितने भी चाहे जितने भी जोड़ लो, 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, 4,00,000, तो इतने सारे ग्रुप बनाने का क्या फ़ायदा जब एक ही ग्रुप बना सकते हैं हम, ठीक है। तो इसको ज्वाइन कर लीजिए, दूसरों से भी कराइए। टेलीग्राम का ग्रुप बहुत ही आसान होता है ज्वाइन करना, बस वहाँ पर टॉपिक स्टडी आपको सर्च करना है, टेलीग्राम पर टॉपिक स्टडी सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर आ जाएगा, टॉपिक स्टडी इंग्लिश और हिंदी आएगा, आपको बस टॉपिक स्टडी हिंदी वाला ही ज्वाइन करना है, ठीक है, यानी कि हिंदी वाला नहीं, बस टॉपिक स्टडी, इंग्लिश वाला नहीं करना है, इंग्लिश वाला मैं कुछ अपलोड नहीं करता हूँ,
हिंदी वाले में ही सारी पीडीएफ दे देता हूँ, ठीक है। फेसबुक पेज पे आपको डेली करंट अफेयर मिल रही है, करंट अफेयर के छोटे छोटे पोस्ट मिल जाते हैं, जो भी डेली अपडेट होता है वो सब कुछ, तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आपको डेली अपडेट मिलता है करंट अफेयर का, तो आप इंस्टाग्राम पे भी टॉपिक स्टडी सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपने पूरी वीडियो देखी होगी, लाइक भी कर दिया होगा, शेयर भी कर दिया होगा, अगर नहीं किया है तो कर दीजिएगा, और इन सभी जहाँ जहाँ पे मैंने आपको बताया वहाँ वहाँ पे फॉलो कर लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको सारी चीज़ों के अपडेट मिलते रहें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।